Nothing can stop me. I'm all the way up. नमस्ते जनता नारदन, मैं हूं आश्लेष और स्वागत करता हूं सभी का अपने चैनल भुक्कड़ फिरंगी में। भाई देखो, बहुत हो गया डिले, एक महीने के आसपास डिले हो गया, वीडियो नहीं आया हुआ। इस एक महीने में हम खाली नहीं बैठे, हमने बहुत सारी जगह खोजी है भाई, और उनमें से एक खजाना जो हम खोज के लेकर आए हैं वो आपको लेकर आया भाई, मूंग की दाल का पिज्जा खिलाना है। इस वीडियो में और इस वीडियो के बाद जितनी भी वीडियो होंगी भाई, तुम्हारा अकेला सिंगल वीडियो नहीं बनाने वाला, क्योंकि अपने को मिल गया है कंपेनियन, और आज हम इस वीडियो में उसे इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं। ड्रम रोल के साथ इंट्रोड्यूस करा जाए हमारे भाई प्रशांत कश्यप। भाई प्रशांत भाई आ जाए वीडियो में, तो फ्रेम शेयर कर रहे हैं आज हमारे साथ। दोस्तों क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई। सो ये है हमारे प्रशांत भाई, जो आज से डुअल भुक्कड़ फिरंगी होने वाला है। आज जो हमने लगवाया आइटम वो इन्होंने ही बताया हमें, क्योंकि मूंग दाल का पिज्जा, करेक्ट, क्योंकि यही है जिन्होंने ये सर्च करा और बताया। मैंने ट्राई भी कर रखा है, मुझे ये मैंने सोच भी रखा था कि इसका वीडियो एक बार शूट करना है, करना है जरूर, क्योंकि क्या है मुरादाबाद में जो है भाई मूंग का दाल ही फेमस है, लेकिन ये चीज मिली हमें बिल्कुल डिफरेंट। बिल्कुल, क्योंकि भाई ऐसा ना, देखो मुरादाबाद में शौकीन लोग है ब्रेकफास्ट करने के, और ब्रेकफास्ट में मिलती है मूंग की दाल, तो आप सुबह और शाम ये मुरादाबाद में फेमस। युवा बताएगा आपको पता कितना चीज भरा हुआ पिज्जा है ये, बताए। ये अभी हम जो खा रहे हैं ना, ये डबल बस्ट है, चीज बस्ट। अभी आप देखेंगे पता है, ऐसा लगेगा जैसे किसी को जुकाम भी हो गया है या इसको जुकाम हो रखा है। oh, no! मतलब देखना भी चीज वो ऐसा होता है ना, जब चीज खिंचता है तो आप भी समझ सकते हैं, मतलब ये कहां मैं, मतलब मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे हो। अभी फिलहाल हम टेस्ट करते हैं, फिर बताते हैं आपको। तो भाई आओ चलो लेके चलते हैं आपको बिल्कुल इस चीज पर पिज्जा के पास, और आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। तो भाई युवा क्या कहते हो, पहले ये ठंडा हो उससे पहले हम गा लेते हैं, क्योंकि फिर बाद में ज्यादा खींचेगा तो आप लोगों को कुछ और लगेगा, इससे पहले हम गाते हैं। नहीं वैसे भी ठंडी चीज पसंद भी नहीं है ना, ठंडी चीज पसंद भी नहीं है यार, तुझे गर्मी तो नहीं लग रही? तेरे पास इतना हॉट बंदा है। फिलहाल तो ये हम गरम ये खाते हैं, उसके बाद गरम गरम ये खाते हैं, उसके बाद थोड़ा देखेंगे कुछ और गरम। आओ भाई लेके चलते हैं आपको, चलो। सो भाई आ चुके हैं भाई हम अपना डबल बस्ट पिज्जा लेने के बाद, और भैया युवा बेसिकली खाली पिज्जा नहीं, मूंग दाल पिज्जा, मूंग दाल पिज्जा, करेक्ट। युवा ट्राई करो भाई। अच्छा इसका एक्चुअली ना घर का नाम इसका युवा है। पहले मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैंने टेस्ट किया है, लेकिन मैं तुम्हें टेस्ट कराना चाहता हूँ, इसे लो। देखो ये कितना, मतलब तुम्हें देखिए कितना खुल गया, खिल गया, मतलब खिल तो गया है, लेकिन अंदर की चीज देख रहे हो भाई, ये देख लो, ये देख रहे हो, ये देखो जैसा मैंने कहा था वैसे ही। वाह 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 वाह, मतलब देख रहे हो यार कैसे भरा पड़ा है इसके अंदर चीज, डबल बस्ट है, हाय 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 हाय, स्मेल्स अमेजिंग, अमूल, एग्जैक्टली, अटली बटली डिलीशियस, अमूल। आप तो पता है भाई अमूल वाले देख रहे हो तो भिजवाओ यार, 2-3 किलो मतलब भिजवाओ यार, चलता है इतना तो चलता है। टॉपिंग के अंदर भाई शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च है, टमाटर है, टमाटर है, प्याज है, प्याज, ओनियन, ओनियन, समझ रहे हो, मतलब अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में ओनियन मिल नहीं रहे हैं। वाह मोदी जी वाह, क्या करा रहे हैं आप, थोड़ा रेट वेट प्याज ना कह के, अगर हम कहें प्रीशियस स्टोन कह लें या हीरे खा रहे हैं, करेक्ट, ऐसा आज के टाइम में आंखों में आंसू से ले आया यार तुम तो, मतलब यार इतना, मतलब इतना डिफाइन किसी ने नहीं करा होगा प्याज को, मतलब तो समझ सकते हो ना यार, ठंडा हो रहा है भाई से, ठंडा हो रहा है ये चीज। चीयर्स, चीयर्स। वाह मतलब देखा आपने, बाइट लेते जो चीज, चटनी भी आप एक ग्रीन है जो थोड़ी स्पाइसी है, इवन आप अगर कोई खट्टी चटनी नहीं लेना चाहे तो उसके साथ मीठी भी, ग्रीन चटनी का भी ना एक अपना अल्टीमेट टेस्ट है भाई, वैसे बताऊं तो मजाक से हट के, लाल चटनी अपने को पसंद नहीं है। मैं क्या सोचता हूँ कि ना मैं इसके साथ मेयोनीज भी होता ना तो शायद और पॉइंट है, लेकिन आई डोंट थिंक सो, मैं प्रिफर नहीं करूँगा। हाँ अगर ये कुछ और, जैसे इनके पास और मेन्यू में आइटम है, जैसे इनके पास गार्लिक ब्रेड हो गया,
और इनके पास फिंगर चिप्स होगा, वहाँ पे मैं जरूर थोड़ा सा मियोनीज प्रेफर करूंगा। एक्चुअली क्या है ना, बेसिकली इनके पास इसी चीज के आइटम और भी हैं, करेक्ट, इसलिए मैंने बोला कि शायद मियोनीज हो। तो एक बार सोने पर सुहागा जैसे कहते हैं, करेक्ट। सो एक बार डू द फेवर, मेन्यू उठाइए और जनता जनार्दन को बताइए, जरा जोर से पढ़ के विद रेट्स बताइए। पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि बेसिकली ये है मेन्यू। दिल्ली स्पेशल मूंग दाल पिज्ज़ा, बहुत ही सिंपल और बहुत ही मतलब जिसको बोलते हैं ना याद करने वाला नाम, उमदा भी है, करेक्ट। ठीक है, अभी फिलहाल हम इसका मेन्यू देख रहे हैं। तो सबसे पहले है मूंग दाल प्लेन पिज्ज़ा, जिसकी कॉस्टिंग कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है, जो रेगुलर का होता है बेसिकली 50 rupees है, कोई ज़्यादा नहीं। मेरे ख्याल से शायद मूंग दाल की दाल का पत्ता भी मेरे ख्याल से कितना 10 rupees 20 rupees। हाँ, तो ये फिर इस पे देखो, इसका बनाने का थोड़ा सा डिफरेंट है ना, बनाने का तरीका इसका तो थोड़ा तो वही करेगा। सो मेरे को नहीं लगता यार इतना कॉस्टली, अगर आप नॉर्मल एक पिज्जा भी लेने जाओगे तो यार वहाँ पे अपना बहुत ही रीजनेबल, जिसका मैं नाम लेना चाह रहा हूँ, जो उधर पड़ता है आरके प्लाजा में, आप लोग जानते होगे अगर मुरादाबाद से हो तो, मोमिनोज राइट। तो उसका भी आपको ना करीब 150 rupees के आसपास का एक पिज्जा मिलता है। तो भाई प्राइसेस जस्टिफाइड है, जो हम खा रहे हैं वो सबसे महंगा है 150 का। सो आपको 50 से लेके 150 तक की वैरायटीज मिल जाएंगी, और वैरायटीज में सब में प्लेन है, स्टफ्ड है, चीज है, डबल चीज बर्स्ट है, जो हम खा रहे हैं। इवन इसमें स्लाइसेस अगर आप देखोगे तो इवन 7-8 स्लाइसेस, 5-6-7-8 स्लाइसेस जो बेसिकली होती हैं पिज्जा में, करेक्ट, 8 स्लाइसेस हैं। हाँ, तो जैसे आपको सबको पता है कि आपका जो भाई है वो प्रेफर करता है सिर्फ हरी चटनी, लाल अपने को पसंद नहीं है, क्योंकि मीठा अपने मीठा कोई हो तो नहीं, मतलब अगर युवा हो तो मैं प्रेफर करूंगा, लेकिन अगर चटनी हो तो नहीं, इसलिए आप बेटर है कि ये चटनी खाओ। मुझे टिकटॉक पे वो वाला याद आ गया, वो भैया जो आजकल चल रहे ना, रॉय भैया। अच्छा, मेन्यू तो और भी है, इसको अभी देखते हैं कि हम इसके बाद क्या ट्राई करें। यार आप मेन्यू बताओ, मेरे से तो रुका नहीं जा रहा भैया, शायद 14-20 का रहा, शायद मैं भी थोड़ा जल्दी जल्दी करता हूँ क्योंकि ये ठंडा भी हो जाएगा। सेकंड है इसमें भाई आपका मूंग दाल स्टफ पिज्जा, स्टफिंग होगी, मतलब इसमें जैसे शिमला मिर्च का, गाजर का, ये अंदर जो इसके स्टफिंग कर रखे ना, बेसिकली यही स्टफिंग है, और हीरे जैसे मतलब प्याज कह रहे हैं आजकल, हीरा है ना, तो वो भी है इसमें। और थर्ड है आपका मूंग दाल स्टफ पिज्जा, और फोर्थ है भैया आपका इसका मूंग दाल स्टफ डबल चीज पिज्जा। कहाँ इतना टाइम ले रहे हो यार, एक एक चीज बता रहे हो। तो मैं आपको बहुत सिंपल बता देता हूँ, ये लगता है मुझे वीडियो को 10 मिनट की या 15 मिनट की बनवाने की, दिमाग से मतलब मूड से आया पूरे प्रिपरेशन। देखो अट्रैक्ट तो होना चाहिए, जितना हमें टाइम लग रहा है उतनी तक की वीडियो, लेकिन ये ठंडा भी तो हो रहा है, तो तुम पूरा मेन्यू थोड़ी ना समझाओगे भाई, ये डिसाइड करो तुम्हारी। हाँ, ऐसा तुम्हें मुझे लग रहा है तुम्हें सिखाना पड़ेगा, तो इनका पहला वीडियो है ना, तो ज्यादा मुझे लग रहे हैं कि कुछ ज्यादा ही डीप में घुस रहे हैं सारी चीजों में। मेन्यू दिखाई है, फोटो क्लिक करेंगे इसका और आपको पेस्ट करके दे देंगे, ठीक है, वरना यहाँ वीडियो पॉज करो और देख लो, समझ में आ जाएगा सारा का सारा मेन्यू। इसमें रेट भी लिखे हैं और सारी की सारी चीजें भी लिखी क्या क्या मिलेगा, ठीक है। तो भाई अब इसे खाओ, खाते हैं और मेन्यू को गोली मारो। नहीं, गोली नहीं मारनी, अभी और भी लेना है, पहले इसे खाओ। हाँ, इसे खाते हैं, ठीक भाई, इसे हम खत्म करेंगे, मैं जब तक दूसरा प्लाइस ले दूं। तो इसे खत्म करते हैं और मिलते हैं भाई आपसे ऑन दी अदर साइड, तो आओ साथ में एंजॉय करो, ठीक। भाई ये है मूंग दाल का गार्लिक ब्रेड, खाली पिज्जा ही नहीं है, exactly. मतलब गार्लिक ब्रेड भी है, exactly. मतलब पूरी मोमिनोज और डैडी नोज वाला फीलिंग है यहाँ पे। लीजा हट तो मैं आपको थोड़ा पास का भी फ्रेम दिखा देता हूँ भाई, ये थोड़ा सा इस टाइप से दिखता है, मतलब पूरा चीज वगैरह हर चीज डला हुआ ऊपर से, और इन्होंने भैया ने कुछ अपना मसाला भी डाल रखा है, मसाले की
खुशबू बहुत अच्छी है। मैंने इनसे पूछा भी था, मैंने कहा कहीं यहाँ पे मैगी मसाला डालते हो क्या? तो बोले नहीं नहीं, हमारा खुद का प्रिपेयर्ड मसाला है। तो यार डू दी ऑनर प्लीज। पहले पहले आप ही को खाना पड़ेगा क्योंकि मैंने पहले ही टेस्ट किया है। मैंने बोला था ना मुझे 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 मत नहीं खट्टी चटनी है खट्टी। मैंने बोला ना मतलब मेरे भाई मुझे बस मीठा पसंद है, मुझे चटनी पसंद नहीं है। मतलब आप खट्टी चटनी को मीठे से दूर क्यों करने पे लगे हो? क्योंकि दो मीठे आपस में ना मिल जाए। नो 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 नो। सो टेस्ट करते हैं, दोनों साथ में करते हैं। लेट्स डू द ऑनर्स टुगेदर। चीयर्स वंस अगेन। सो चीयर्स फॉर द सेकंड वन। अमूल चीज गर्मा गर्म में और मजा आ गया। मैं ये कहने वाला था, नाम क्या है इसका? गार्लिक ब्रेड। गार्लिक है ऑब्वियसली है, टेस्ट है बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेस्ट है भाई गार्लिक का। मतलब आप खाके ये नहीं कह सकते कि लग नहीं रहा वैसा। तो क्या भी? आप ऐसा कहोगे कि शायद उससे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। बिल्कुल होता क्या है ना, जब आप कहीं पे जाते हो मोमिनोज लीजा हट इधर जाते हो तो क्या होता है ना, गार्लिक ब्रेड के ऊपर ना गार्लिक का ना आपको वो क्या बोलते हैं ऑयल में वो ऊपर से उसको लगा के देते हैं। हाँ लेकिन यहाँ पे क्या है, स्टफ करके दे रहे हैं, स्टफ करके दे रहे हैं। लेकिन जो उसकी खुशबू है ना, खुशबू अमूल है भाई। अमूल नहीं, ये तो मसाले की तो अलग मसाला से आ रहा है, तो है मसाला तो आ ही रहा है। लेकिन क्या है ना कि जो अमूल जो खुशबू दे रहे हैं वो अट्रैक्ट भी कर रहा है। हाँ मैं मसाला अलग से टेस्ट करके देखूँ क्या है। क्या कहना चाहोगे? थोड़ा गर्म मसाला टाइप है। लेकिन मैंने जो अगर तुम्हें सजेशन दिया इसके लिए क्या कहना चाहोगे? ऑब्वियसली बात बहुत अच्छा, उम्दा चीज है, बढ़िया चीज है। अभी जब मैं इसको खा रहा था तो मैंने मेरे को मतलब याद भी आया कि इसके लिए हम एक स्लोगन भी ऐसा रख सकते हैं कि अगर जैसे कि जैसे कुछ स्टेट्स का है ना कि यहाँ आए और इतने दिन नहीं रुके तो ऐसा कुछ, तो अगर अगर हम मुरादाबाद के लिए गए ना तो अगर दाल तो ऑब्वियसली हर कोई खाता है, गेहूँ फेमस है। अगर ये नहीं खाया ना, मूंग दाल पिज्ज़ा नहीं खाया, मैं बोला अधूरा है। मैं ये बोलना चाहूँगा कि भाई इट्स लाइक मूंग दाल का फ्यूजन। फ्यूजन ऑब्वियसली मूंग दाल का फ्यूजन है और बढ़िया है यार। मतलब अभी भी इन्होंने ये बनाया ना इसको मूंग दाल के गार्लिक ब्रेड को, इसको भी इन्होंने फ्राई करा ना, सो इन्होंने देसी घी में फ्राई करा है भाई। देसी घी जो दिखाया है आपको अमूल का देसी अल्टीमेट है यार। मतलब क्या ही बोलूँ मैं, ये कुछ है भाई। लेकिन देखो फ्राइड भी बहुत अच्छे से हो रखा है, ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ कहीं से कमी रह गई हो, फ्राइड भी बहुत अच्छे से हो रखा है, कंचीनेस है और इसके अंदर भी अच्छे से स्टफिंग है। स्टफिंग ऐसा नहीं कि बस ऊपर ही आपको डाल के थोड़ा सा हीरे डाल के दे दिया। हाँ भैया ने हीरे अंदर भी भरे हैं, अंदर मतलब भी हीरों में कोई कमी नहीं करी है भैया ने, बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं। और प्राइस भी रीजनेबल, प्राइस भी रीजनेबल, ऐसा नहीं है कि मतलब कि जैसे कि जितने के हीरे मिल रहे हैं उतने का ही है, उसके हिसाब से है। मैं खाता हूँ, मैं मतलब ठंडा भी हो जाएगा और मैं कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा हूँ, काफ़ी अच्छा है। इसलिए आप थोड़ा सा कंटिन्यू करो, मैं जब तक ये चटनी की खट्टी चटनी खट्टी मीठा तो यार भाई है ही तो। सो भाई ऑलराइट, सो हम इसे करते हैं ख़त्म और भाई लेके चलते हैं आपको यहाँ के जो ओनर हैं उनसे ज़रा बात करते हैं, उनसे ज़रा थोड़ा सा वार्तालाप करते हैं, पूछते हैं। एज ऑलवेज हमारी सारी वीडियो में हम एक छोटा सा इंटरव्यू क्लिप लेते हैं, तो यहाँ पे भी हम इंटरव्यू क्लिप लेते हैं और जरा उन्हीं से बात करते हैं और उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि ये आइटम कैसे आया, क्यों आया और कब से आया। ऑलराइट गाइस, तो लेके चलते हैं आपको, आओ चलो। ऑलराइट भाई, सो सारी चीज़ें खत्म करने के बाद युवा को छोड़ दिया हमने बिहाइंड द कैमरा, इस रेडी के जो ओनर है उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। सो अभी हम जिनके साथ खड़े हैं वो यहाँ के ओनर है। भैया अपना नाम बताइए जरा मेरे। नाम है सुधाकर कुमार। सुधाकर जी, तो सुधाकर जी ये बताइए ये आइडिया आया कहाँ से? मतलब सर घर पर खाना बनाने का, खाने पीने का बहुत शौक था हमें। अच्छा। चीला पीला बनाते थे घर पे। अच्छा। कुछ बनाते बनाते कुछ नई डिश का हमने थोड़ा सा आइडिया लगाया, आइडिया लगाते लगाते हम सब पिज्जा बन गए। पिज्जा बनते बनते पहले तो हम प्लेन ही बनाते थे बिल्कुल एकदम, क्या प्लेन बनाने पहले बिल्कुल ये जैसा प्लेन है पहले प्लेन ही बनाते थे ये, फिर उसके अंदर हमने अंदर काटे स्टफिंग बनने चालू करी, जैसे कि ये है हमारा स्टफ वाला पिज्जा। करेक्ट। ये ज्यादा खेलते हैं जैसे ऐसे, मैं आपको बना के दिखाता हूँ अभी। हाँ। दो मिनट के बाद। तो आप ये बताइए मतलब ये एक्सपेरिमेंट हुआ कैसे इसका, मतलब ये चीला बनाते बनाते ये पिज्जा कैसे बन गया? चीला बनाते बनाते तो मैं बता रहा हूँ, इसके खाने बनाने का मैं बहुत शौक था। हाँ। और बनाते बनाते कुछ कभी कभी ऐसा हुआ था कि घर में पहली बार पहुंचते थे किचन में पहुंचने के बाद कुछ अच्छा बन जाता। हाँ। तो ये ऐसे ही अच्छा बन गया कुछ। अच्छा, मतलब अच्छा बनते बनते तो टेक्निक आ गई, टेक्निक के बाद फिर
आदमी चीला बहुत बेचते थे, हम दूसरे के शॉप पे देखा, फिर पिज्जा हाउस में भी गए कि वहां पर सब लोग मैदा खा रहे हैं। सही बात, तो मैंने सोचा कि मैदा न खिला के मैं मूंग की दाल। एग्जैक्टली, ये थोड़ा अपना देखा जाए तो ये मैदे से हट के थोड़ा स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। जी जी, करेक्ट। मैं ये कह रहा था भैया, ये आपने नाम रखा दिल्ली स्पेशल, तो जब ये आपने इनवाइट, मतलब इनवाइट करना, जब आपने इसका एक्सपेरिमेंट अपने किचन में करा, तो ये दिल्ली स्पेशल नाम कैसे पड़ा? दिल्ली में मूंगलेट के नाम से सर बहुत बिकते हैं ये। अच्छा, प्लेन मूंगलेट के नाम से। अच्छा, मगर पिज्जा नहीं बिकते, वो एक तरीके से चीला टाइप होता है। चीला टाइप का होता है, जो खाली चीला में मक्खन में कोई ऑयल में फ्राई करके देता है, कोई किस चीज में फ्राई करके, फिर जो मैं काम करता हूँ अमूल के वैरायटी से ही काम करता हूँ। तो मैंने देखा कि आप अमूल का बटर डाल लेते हैं और साथ ही साथ आप अमूल का देसी घी भी यूज कर रहे हो। जी सर। तो भाई ये यार देखने वाली चीज है, मतलब आप देख रहे हो, मतलब इस रेट में अगर आपसे पैसे ले रहे हैं, अगर 150 रुपीज एक जो इनका हाईएस्ट जिसको बोलता हूँ ना, तो सबसे महंगा आइटम इनका 150 का, अगर वो आपसे ले रहे हैं, तो आपको यार मैं दिखाता हूँ। यार देखो, आपको ये देख रहे हो आप, ये अमूल का चीज, ये डाइस्ड शेडर चीज है भाई, अमूल का, ठीक है। और प्रोडक्ट्स अगर मैं आपको सारे इनके प्रोडक्ट्स दिखाऊंगा भैया के, तो आप भी देखोगे यार, ये देखो अमूल का शुद्ध देसी घी। सो अमूल भैया, बहुत प्रमोशन हो रहा है यार, तुम लोगों का अगर कोई देख रहा है तो भिजवाओ यार थोड़ा सा, मतलब 2-3 किलो मक्खन मक्खन यार, हम तो आप तो जानते ही हो। सो भैया ये तो भाई मजाक की बात है, अब आप मुझे ये बताइए कब से लगा रहे हैं आप ये अपनी रेडी? अभी मात्र मुझे 20 डेज हुए। और 20 डेज में आपको रिस्पॉन्स कैसा मिला? तो रिस्पॉन्स कम से कम 80% तो मुझे बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला। अभी 20% बचा, 20% ही कवर कर लूँगा 3 महीने के अंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप मुझे, मेरे सब्सक्राइबर को ये और बता दीजिए अपनी जबानी की, ये आपकी रेडी लगती कहाँ है, एड्रेस थोड़ा समझा दीजिए, जिससे कि लोगों को आने में आसानी हो जाए आपके पास। मैं समझाता हूँ कि ये लाइन पर बुद्धि विहार है और महिलाल स्कूल के रोड के बिल्कुल ठीक सामने है। तो मैं आपको और थोड़े अच्छे से डिटेल में समझा देता हूँ। अगर आप मेरे 2 वीडियो बैक जाओगे तो आपको एक रोल मिलेगा 20 रुपीज वाला रोल, जो हमने वहां पर खाया था। बस ये मान लो कि उस रोल से नेक्स्ट ठेला भैया का ही है और माहिलाल पब्लिक स्कूल के जस्ट थोड़ी सी आगे चलते ही इनका ठेला पड़ जाएगा। आप आओ, दूर से आपको दिख जाएगा इसमें लिखा हुआ भाई दिल्ली स्पेशल मूंग दाल पिज्जा। तो आप आओ और एक बार आके ट्राई जरूर बनता है भाई, क्योंकि चीज है बढ़िया है। 20 दिन में, अब ये समझ सकते हो यार, 20 दिन में जब हम तक पहुंच सकती है ये चीज, तो आप समझ सकते हो कि कितनी बढ़िया और कितनी टेस्टी चीज होगी। आओ ट्राई करो, वो मोमिनोस छोड़ के जरा दिल्ली स्पेशल ट्राई करके देखो, मजा आएगा, सच बता रहा हूँ। तो इसी के साथ भाई इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। सुधाकर जी, थैंक यू वेरी मच आपका ये बेहतरीन आइटम हम तक शेयर करने के लिए। और भाई मेरे चैनल भुक्कड़ फिरंगी को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और एक बार मूंग की दाल का पिज्जा जरूर ट्राई करें। टिल देन मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।